ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जे अक्रूर आसी पहुँची जाइछंती गोपपुर रे, गोपपुर वासी समस्ते अक्रूर को चारिपटे घेरी जाइछंती। आउ अक्रूर कंस राजा देइथिबा चिटा उटी नंद राजा को पाखरे पहुँचे देइछंती, एवं नंद राजा समस्त गोपवासी को निकटरे से चिटाऊ को पाठ करुछंती। आ पाठ कर सारिबा परे नंद राजा को आखिरु धारधार अश्रु बही जाउची। नंद राजा कंस राजा मंद उद्देश्य को बुझी पारिछंती जे कंस राजा मो दुई पुओ को नहीं किसी अनिष्ट चिंता करी सेइतिपाई अक्रो को पठेइछि गई गोपपुर को मो दुई पुओ को नबापाई। समस्त गोपवासी को कहउछंती, हे गोपवासी माने तुम्हें समस्ते अक्रोर कथा को बुझी पारिछ त? तुम्हें माने कंस राजा कर चिटाउ कथा समस्ते बुझी पारिछ त? ए कंस राजा, ए कंस राजा आम मान को नुहे केवल आम कन्हई की नवापाई आसीछंती। अक्रूर निर्देश देइछंती कन्हई की केवल नवापाई, तेणु आखिरु धारधार लुह बही जाउछी। अक्रूर को कहउछंती, हे अक्रूर तुम्हें निजे चिंता कर, तुम्हें तो ज्ञानी, तुम्हें तो गुणी, तुम्हें तो पंडित, तेणु तुम्हें ही चिंता कर, तुम्हें ही केवल सुपरामर्श कंस राजा को दियो, तुम पाखे ज्ञान अपरम्पार, तेणु तुम्हें मत कह जी मोर कुनी पुओटा तार दोष कौन, कौन करी कंस राजार कहीं सदा बेले मारवाई चिंता करुच्ची, कहीं मो पुओर अनिष्ट चिंता करुच्ची। कंस राजा मु किछि भी बुझी पारुनी, तुम्हें मत कह कौन कहते नंद राजा। ए आसुनी जे नंद कल बेनी तार पे अश्रुज करी पारिबे अक्रूर तुम्हें परा ज्ञानी, तुम्हें विचार कर जदि राजा है प्रजा मानक प्रति अविश्वास करिवे, जदि राजा है प्रजा मानकर दुख, प्रजा मानकर कष्ट, प्रजा मानकर अंतरर कथा जदि न बुझी पारिवे, जदि राजा है अधर्म करिवे, अन्याय करिवे, अत्याचार करिवे, ताहले आमे प्रजा माने केमिति रहिबु? राजा थिले सिना प्रजा हेथांती, आउ प्रजा माने थिले सिना राजा हेथांती, तेणु जदि प्रजा मानकु एमिति कठोर निर्जातना दियंती, जदि कष्ट दियंती, ताहले केमिति तांको राजपणिया रहिबो? आउ धर्म, धर्म कोलता को सहिबो? तबे चिंता कर अक्रूर। हे अक्रूर जेबे सिंधु लंघी बटी कूल
किसबा करिबटी पृथ्वीमही पाळ किसबा करिबटी पृथ्वीमही पाळ किसबा करिबटी पृथ्वीमही पाळ। हे अक्रूर, ये जो विशाल समुद्र देखुच, ये विशाल समुद्र जदि स्थल भाग को उल्लंघन करे, ताहले ताकु केही भी किछि करि परिबेनी, काहेकि ना से होची विशाल, तार इच्छा जहाँ से करिवो, किंतु ताकु केमिति धर्म सहिवो, तमे कुह केमिति धर्म सहिवो, जदि केही विशाल हो जाए, जदि केही बड़ हो जाए, ताहले जड़े छोट पदवी रे थिबा लोक को जदि छोट मणे हेय मणे ताहले ता प्रति अन्याय करा जाए, ता प्रति अविचार करा जाए, ताहले तार बड़पणिया केमिति रहिवो। तेणु से हे अक्रूर, तमे विचार कर, जदि ए सिंधुटा कूल लंघिबो ताहले ए महिपाल केमिति ताकु रक्षा करिवे, केमिति से सहिबो, एक कथा मत बुझे दियो। आउ कौन कौन नंद राजा कांत न जेबे बार नारी ताकू किए से ओबा रखिबा कुपारी ताकू किए से ओबा रखिबा कुपारी से ओबा रखिबा कु पारी राजा होई करी जेबे करिबो धर्म ताकु प्रूति रे किए कहिबाकु क्षम ताहाकु पृथ्वीरे किए कहिबाकु क्षम ताहाकु पृथ्वीरे किए कहिबाकु क्षम। हे अक्रूर, तमे कह जदि जड़े स्वामी तहार बड़ पणिया अच्छी, जड़े नारी से होची अबला दुर्बला, तेणु जड़े स्वामीर जदि अधिक शक्ति अच्छी ताहले अबला दुर्बला नारी टिके कष्ट दबा सेटा केते ग्रहणयोग्य तबे चिंता करो, तबे विचार करो। अक्रूर, तमें तो ज्ञानी गुणी पंडित विज्ञ, तमें विचार करो, जदि राजा है एमिति अधर्म करिवे ताहले किए सहिबो, किए सहिबो, तुम्हें कुह, तुम्हें कुह, धर्म केबे सही पारिबोनी। तेणु नंद राजा कहउछंती, हे अक्रूर, जदि आमे किछि दोष करिछु ताहले आमकु दंड दियो, आमे जदि दोष करिछु, जदि आपणक कर आमे न देइछु ताहले आमकु दंड दियो, जेतेबेला जहाँ कहिछो जहाँ ताहा जदि न देइछु ताहले आमकु दंड दियो। किंतु आमर गोटे छोटिया बोली पिलाटा मात्र बयस तार 8 वर्ष, आउ कंस राजार से एत बड़ शत्रु जहाँफल प्रति मुहूर्त मो कनई प्रति विपद आसुची। नंद राजा अक्र को कहते, हे अक्रूर, जदि राजा ही अधर्म करिवे ताले प्रजा ही प्रजा माने कौन करिपारिबे, कारण राजांकर बल आगे प्रजा माने होउछंती दुर्बल। तेणु से आज जड़े सबल दुर्बल प्रति अत्याचार, तेणु आकु धर्म केमिति सहिब, तुम पाखरे प्रतिपत्ति अच्छी, तुम्हें धनी, तुम्हें राजा, तेणु तुम्हें जड़े दुर्बल व्यक्ति सहित शत्रुता करिबा एटा केते दूर ठीक, तुम्हें मंत्री बुझ, तुम्हें विचार कर। आज गोपवासी तुम उपर आज सब विचार को छाड़ी दे, आउ कौन कहते नंद राजा।
जेबे अपराध आबे करिछु गोपर आम्भ को दंड देबार तुम्भ व्यवहार आम्भ को दंड देबार तुम्भ व्यवहार आम्भ को दंड देबार तुम्भ व्यवहार बालक पुआ भर अटई श्रीरंग से काऊ जानिब पुनी यात्रार सरंग से काऊ जानिब पुनी यात्रार सरंग से काऊ जानिब पुनी यात्रार सरंग आठ बरसर होई अछंति कुमार अपुत्री कहिथिलु जान मंत्री वर अपुत्री कहिथिलु जान मंत्री वर अपुत्री कहिथिलु जान मंत्री वर हे अक्रूर तमे विचार कर काहीकि कौन पाई मो पुओ सहित द्वंद करुछंति मोर छोटिया बोली बकटे पुओ जहाँ को मु केते तपस्या बलने पाई जाच अक्रूर जेतेबेले गोपवासी माने मते श्मशान रे नहीं रखी थिले काहीकिन मु अपुत्रिक आउ ये गोपपुर गोटे नियम थिला जे जो माने अपुत्रिक से माने गोपर बाहर रहिबे कारण अपुत्रिकर मुख को चाहिले यात्रा शुभ हुए ना अपुत्रिक लोक को चाहिले तार दिनटा वृथारे चली जाए सेइति पाई काले के मो मुह को चाहिबे मते नै श्मशान रखिली आउ आमे बुढ़ा बुढ़ी दुई जण केते दुख पाइछु नंद जशोदा दुई जण केते दुख पाइछु आउ केते ठाकुर को डाकी डाकी शेषरी 750 वर्षरी आमर गोटे पुओटी हेला से पुओ जन्म होइछि कि नाही आउ कंस राजा पुतला को पठाई देला पुओ को जेतेबेले 8 दिन होइतिला आउ सेही दिन पुतटा आसीतिला मारिबा पाई तमे कहो हे अक्रूर एइटा कोन राजाकर धर्म तमे विचार करो आउ कोन कहउछंती नंद राजा वृद्ध काले हेला मोर दियोटी कुमार ताकू नाश करिबा तू आंचई असुर ताकू नाश करिबा तू पांचई असुर ताकू नाश करिबा तू पांचई असुर अक्र कहउछंती हे नंद राजा कंस राजा केवल कहिछि जे तुमर दुई पुत्र को नबा पाई काहेकि ना तुम दुई पुत्र को देखिबा पाई राजांकर श्रद्धा हेइछि आउ जेतेबेले धनु उत्सव करुछंती सेतेबेले तुम दुई पुओ को नबा पाई मनस्थ करिछंती कारण ताकु पुरस्कार देबे तांकर साहस आउ धैर्य तांकर बलवीर्य को देखि से आनंदित अछंती आउ सेही पुरस्कार उद्देश्य रे ताकु डकेइछंती तेणु तमे आउ अन्य किछि भावना न कर तुम्भर राजरु मुई बाहारी न जीबी पुत्र कु घेनी न मुई बनवास जीबी पुत्र कु घेनी न मुई बनवास जीबी पुत्र कु घेनी न मुई बनवास जीबी कहले तमें मो कथा सुन अक्रूर बरं मो दुई पुत्र को धरी मु राज्य छाड़ी चली जी ए राज्य छाड़ी चली जी किंतु मु तुम हाथ में मथुरापुर को पठे पारिनी कंस राजा निकट को पठे पारिनी पठे पारिनी पठे पारिनी अक्रूर कहउछंती हे नंद जना पड़ुछि तो कंदरु लक्ष्मी छाड़िलेनी सेइति पाई तू एते बड़ बड़ कथा कहुछु
जानिचु कंस राजा प्रताप को तु जानिचु कंस राजा चाहिले यही मुहूर्त रे गोपपुर को विनाश करी समस्त गोपवासी को बांधिकी नहीं जीवे तेणु कंस राजा पराक्रम तमें बोधे जानिना नंद राजा अक्रुंकर क्रोध को देखी डरी जाऊंती गोड़ को धरी पकाउंती हे अक्रूर हे अक्रूर तमें परा ज्ञानी तमें परा पंडित थरे तमें विचार कर मो जगार रही थरे तमें विचार कर अक्रूर कहउंती हे नंद राजा तुम कंधर बोधे लक्ष्मी छाड़गला नंद बचने अक्रूर बोलई बचन एबे बोलई बचन निश्चय लक्ष्मी तो कंधु छाड़ा बन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन प्रभु श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन प्रतापी राजा बलिण जानुति की कंस निश्चय तोहर नाश करिबटी वंश निश्चय तोहर नाश करिबटी वंश निश्चय तोहर नाश करिबटी वंश जना पड़ुछि नंद तो कंधरु बदे लक्ष्मी छाड़ी गलेनी ता नहले तू एमिती कथा कहंतुनी अक्रूर नंद राजा को कटु भाषा प्रयोग करुछंती इच्छा नथिले भी हृदय तांकु बाधा दउथिले मध्य कटु भाषा कहिबाकु बाध्य होउछंती काहेकिना प्रभुंकर निर्देश प्रभु कहिछंती हे अक्रूर तमे जेते कटु भाषा प्रयोग करिबो आउ हृदय रे कोहकु चापी रखिबो जेते कष्ट हो हृदय रे कोहकु चापी रखी कटु भाषा प्रयोग करिबो आज नंद जशोदा को देखि अक्रूर इच्छा होउछि ताको पाद को धरी कांदिबा पाई किंतु कन्हे की जदि न नेकि जाउछंती जदि प्रभु को न नै जाउछंती ताले ताले कंस बद्ध हब केमिति ए देवता मानकर कार्य सफल हब केमिति ए धरणी खुशी हब केमिति सेति पाई अक्रूर सब दुख को चापी रखी कटु भाषा प्रयोग करुछंती हे नंद प्रतापी राजा कंस राजांकर कथा को तू जानिनु से जदि चाहिबो ना समूले तो वंश को विनाश करि दबो तू कंस राजांकर विरुद्ध रे जो सब कथा कहुछु जदि कंस राजांकर निकट रे मु कहि देबी ना ताले तो गोपपुर को समूले विनाश करि देबे कंस राजा जोटी लक्ष लक्ष राजा माने जहां को पाद सेवा करुछंती जोटी तिनीपुर वासी को जय करी समस्त को निज अधीन रखिंती कंस राजा कोटी सिंहर बड़ से कंस राजा विरुद्ध रे तू जेते बड़े कथा कहुचुना सेते बड़े मो देह सहुनी आउ जदि एक कथा मु कंस राजा निकट रे कही देबी ताहले तोर अवस्था कौन हबो नंद तार हेतु तुम्बे सर्वे नाश हेब केवण भुवने जाई पलाई पशिब गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन कौ वनवास जीवु रे नंद तू कौ वन को जीवु जोटी तिनीपुर राजा होउछंती कंस जोटी रहिले भी शांति रे रखे दबनी से कंस राजा जदि भल चाहुचु ए गोपपुर मंगल चाहुचु ताले मो हाथ रे कृष्ण बलराम को पठे दे आउ जदि जदि कृष्ण बलराम को न पठाऊ ताहले समूले गोपपुर को विनाश करिबा को केही भी अटकई पारिबेनी केही भी अटकई पारिबेनी नंद राजा अक्रूर कटु भाषा को सुनी आखिरु धारधार लुह बही जाउची गोपवासी को कहउछंती ए गोपी गोपवासी माने तमे माने किछि कुह तेणु समस्त गोपवासी माने पाद तले पड़ी जाइछंती अक्रूर समस्ते कांदुछंती आम कन्हे की नियोना आम कन्हे की नियोना केमिति बुझेबे अक्रूर हृदय तांकर कांदी उठुची किंतु उपरे उपरे नाली आखि देखउछंती केमिति अक्रूर प्रभु श्रीकृष्ण को नेइकी जिबे जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय हो जाइछि आज कार्यक्रम के विराम रखिबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा।
जय जय राधे गोविंद हरि बोल, 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 जय राधे गोविंद हरि बोल, जय 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 जय राधे गोविंद हरि बोल।